रही जिंदगी. व्हाट्स योर नेम? मैल्कम. मैल्कम, आप बिगड़े हुए हो क्या? मैल्कम, डू यू ड्रिंक एंड यू स्मोक? ओकेजनली. हाँ, वैसे ऐसे मैं ऐसे कोई कैरेक्टर जज नहीं कर रहा हूँ. ये लोग अचानक ये बड़ा जजमेंट, बट बिकॉज सोसाइटल पैरामीटर से ये दो तीन चीज़ों से ही मतलब जज करते हैं. क्योंकि सी आई बीन वन ऑफ दोस गाइस हु हैज ऑलवेज हैड मोर ऑफ गाय फ्रेंड्स. बचपन से मेरे ज़्यादातर लड़के दोस्त ही रहे, और लड़कों का ना हमारा एक फेज होता है जिसमें हम बस बिगड़ते हैं. कभी हम कोर्स की तरह बस बिगड़ रहे हैं. तू क्या कर रहे हैं? MBA. तू क्या कर? मैं तो बिगड़ रहा हूँ. सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा बिगड़ने का. फाइनली मैं गांजे में स्पेशलाइजेशन करूँगा. सबका अलग अलग टाइम पे चलता है. कुछ लोगों का ग्रेजुएशन के बाद, किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी की पूरी जिंदगी बस सलमान भाई वाली लाइफ चल रही है. मेरा बिगड़ने का फेस स्कूल में ही स्टार्ट हो गया था 9-10, बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ. दिल्ली में ऐसे ही होता है. यही करते हैं, आपको सिगरेट पिएगा नहीं, अच्छा नहीं होता, तू मर्द ही नहीं है, दे भाई. चारों साथ में पी लूँ क्या? मेरा बिगड़ने का सीन रहा 9-10 में शुरू हो गया था. एंड जो भी जिन भी लड़कों का बिगड़ने का सीन थोड़ा ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाता है, वो लोग स्ट्रीम सिलेक्शन के वक्त 11 कौन सा स्ट्रीम लेते हैं? कौन सा? कॉमर्स. हाँ, बिकॉज आर्ट्स तो खैर अलाउड ही नहीं होता. आर्ट्स तो पेरेंट्स मना ही कर देते हैं, तो अफ़ा बेटा होता ही नहीं है कुछ आर्ट्स. इट्स लाइक बैंड्रा ईस्ट, इट्स नॉन एग्जिस्टेंट है वो. तो कॉमर्स ले लेते, बिकॉज सारे बिगड़े लड़के उधर ही जा रहे, तो तुम भी एकदम वो है मेरे लक्ष्य करने लग जाते. द प्रॉब्लम इज कि इंडियन पेरेंट्स को, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सारे एस्पिरेशंस तुम्हारे साइंस लेने से लिंक कर रखे थे, उनको जब आप बताते हो कि नहीं मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ साइंस, उनके दिमाग में एकदम छन से जो टूटे कोई. इनफैक्ट इफ यू थिंक अबाउट इट, फॉर मोस्ट ऑफ अस इंडियन स्टूडेंट्स नो दैट वॉज द OG कमिंग आउट ऑफ क्लोजेट, टेलिंग योर पेरेंट्स यू डोंट वॉन्ट टू टेक साइंस. वो लोग रिएक्ट भी वैसे ही करते थे, बट बेटा तो नेचुरली नहीं है ये. हम सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे? वो आपस में लड़ लगा, तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा इसको. मैंने उनको बोला कि मुझे कॉमर्स लेना, साइंस लेना. उन्होंने कहा फक ऑफ, तो साइंस ले रहे तो चलो खेल लेते हैं. एंड आई वाज जस्ट नॉट मेंट फॉर साइंस. आई वाज जस्ट नॉट एट ऑल मेंट फॉर साइंस. आई वाज अ कंप्लीट मिसफिट. इट्स लाइक बीइंग अ पेंगुइन स्टिल बर्ड फैमिली. क्यों क्यों करवा रहे? ये छप छप कर रहे पानी में यार ये. And I was not the only one. मेरे क्लास में एक और भी लड़का था जो मेरी तरह था. He was, I'm not going to give out his name and all because it's a slightly embarrassing story. मनु सिंह. मनु सिंह और मेरा अपने में कॉम्पिटिशन चलता रहता था कि क्लास में जो भी पास हो रहे हैं उनमें लास्ट और सेकंड लास्ट कौन आएंगे. हमारे नीचे वाले सर छठे जा रहे. हम उस क्लास के रहाने पुजारा थे. शॉप नहीं हो रहे. तो हम फिर किसी तरह से 12th क्लास में पहुंचे, और 12th में हमारी एक टीचर रही राजलक्ष्मी मैम करके. राजलक्ष्मी मैम जिनको हम बुलाते हैं रज्जू, बिकॉज बाय नॉट. राजलक्ष्मी मैम वाज वन ऑफ दोस टीचर्स. एक टीचर होती है ना हर इंस्टीट्यूशन में जिसको लगता है कि बच्चे में भगवान होता है. ऑल चिल्ड्रन आर गॉड्स, यू नो, ऑल एंजल. और हमें बोलने का मतलब नहीं मैडम हम नहीं है वो वाले बच्चे, हम प्रॉपर ही बिगड़े वाले ही है. बट एक दिन, और 12th में ना साइंस में सबको एक प्रोजेक्ट करना होता है, लाइक केमिस्ट्री से प्रोजेक्ट या मॉडल टाइप का करना होता है, और ज़्यादातर 10-12 की लिस्ट होती है, सब उसी में से कोई कर लेते हैं. तो एक दिन मैम आई, राजलक्ष्मी मैम, उन्होंने कहा चिल्ड्रन आई बिलीव इन एम्पावरिंग स्टूडेंट्स, सो यू ऑल कैन मेक अ चॉइस, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर व्हाट इज द प्रोजेक्ट यू वांट टू डू. और मैं और मनु सिंह लास्ट बेंच में बैठे, हमने पता नहीं क्यों लिख दिया कि वी विल मेक अ ब्रेथ एनालाइजर जस्ट. क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले एक कहानी मतलब ऐसे फेमस हो रही थी कि हमारे सीनियर्स में से एक लड़का ऐसे पी के गाड़ी चला था नोएडा में, तो उसको पुलिस वाले ने आके ब्रेथ एनालाइजर और लेके छीन के भाग गया वो आगे. नोएडा में होता है ऐसा. तो हमने फिर लिख दिया ब्रेथ एनालाइजर बनाएंगे. सारे पर्चियां मैम के पास आगे पहुंची. मैम ने सब पर्ची मनु सिंह अभिजीत गेट अप. हम खड़े हुए, these are the kind of students I'm looking for. क्योंकि आज बिगड़े लड़के हमें आदत ही नहीं है कॉम्प्लीमेंट्स की, है ना. हमें बेइज्जती दे दो, इसी में अपनापन है. तो अजीब लग रहा है, ऑकवर्ड सा लग रहा है. नो दिस इज सच ग्रेट आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, दिस इज वंडरफुल. आगे के सीन टॉपर बच्चे भी दिख रहे हैं. इसके पहले सिर्फ मॉनिटर लोग गए. हमें लगता पता नहीं अंदर जकूजी होता होगा स्टाफ रूम में, कोई आईडी नहीं कैसा होता होगा वहां पे.
And I wanted this amazing thinking, Abhiji, Manu, this is brilliant. I'm khush ho raha hu. No, no, I will send it for science Olympiad. I'm like, huh? Ab main thoda sa lag bhi raha yaar, ye to pura recess kha jayegi yaar ye. बोर्ड वोर्ड तोड़ने होते हैं, काफी काम होता है. No, no, I will send it for international competitions as well. अब लग रहा है यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है यार. इसकी स्टाफ रूम के बाकी टीचर से बात नहीं होती क्या? इसे नहीं पता हम नहीं है वो वाले बच्चे. No, no, you have my full support. You know, in fact, I'll put a paper on it. Abhijit, Manu Singh are permitted to get whatever equipment they require to make this project or test it. You know, this project of breath analyzer. तो सीन समझो, क्लास के दो सबसे बिगड़े बच्चों को परमिशन मिल गई है कि वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करने के लिए स्कूल में कुछ भी ला सकते हैं. तो अगले दिन से स्कूल में वोडका आ रही है, रम आ रहा है, विस्की आ रहा है, हम टुन से घूम रहे पूरा टाइम. अगले दो महीना हमने फुल हमारी जिंदगी फुल हनी सिंह के म्यूजिक वीडियो जैसे बन गया था. हम पूरा हमें पहली बार मॉर्निंग असेंबली में मजा आ रहा है. वैष्णव जन तो तय नहीं गई है. हम क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. फिजिक्स सर ले, वेयर इज सेंटर ऑफ मास? इन लिवर सर. बट देखो, हर बबल ना फटता है, हर बबल इवेंचुअली फटता है. और हमारा बबल फटा बिकॉज ऑफ पीटी टीचर. नाउ पीटी टीचर इज नॉट एन इंडिविजुअल. PT teacher is a way of life. Institution, you know. जहां child abuse खत्म होता है वहां से PT teacher शुरू होता है. उनके job description में होता है कि दो बच्चों को हफ्ते के दो बच्चों को गिराना चाहिए थप्पड़ मार के. And if you think about it, PT teacher आज तक कभी समझ ही नहीं आया किस sport में अच्छा होता था. PT खेलते हुए लगता है बास्केटबॉल में अच्छा होगा, बास्केटबॉल खेलते लगता है बैडमिंटन में अच्छा, बैडमिंटन लगता है क्रिकेट में अच्छा होगा. He is to all sports what Kunal Pandya is to being an all-rounder. कि बैटिंग करते वक्त लगता है बॉलिंग ऑलराउंडर होगा, बॉलिंग करते लगता है बैटिंग ऑलराउंडर होगा. और फिर PT टीचर आप देखो तो कभी 11th 12th के बच्चों के साथ तो खेलता भी नहीं था. वो हमेशा 5th 6th के लिमिटेड मोटर स्किल्स वाले बच्चों के साथ खेल के उन्हीं को हरा के अपना दबदबा बना रखता था. नॉट जस्ट अमंग स्टूडेंट्स, पीटी टीचर की खास रेपुटेशन टीचर्स के बीच में भी नहीं थी. आप देखो कभी आप इंग्लिश मैम को पीटी टीचर से बात करते देखोगे ही नहीं. पीटी टीचर का अपना एक शेडी सा ग्रुप होगा, तबला सर, लैब असिस्टेंट, सारे सोसाइटल रिजेक्ट साथ में गैंग बना के घूमते थे. तो हमारे पीटी टीचर का नाम था पीटी तोमर सर, जिसको हम ऑब्वियसली टॉमी बुलाते थे क्योंकि बोलने में अच्छा थोड़ा लगता. पीटी टीचर ने एक और को थप्पड़ मारा, टॉमी ने काट लिया, टॉमी ने काट लिया. तो एक दिन पी की क्लास चल रही है और फुटबॉल खेल रहे हैं और मैंने और मनु सिंह ने मिलकर गोल मार दिया. मैंने असिस्ट दिया, उसने गोल मारा और हम गोल मारने के बाद ऐसे टोन हो गए, फुल सेलिब्रेट कर रहे हैं. मैं रोनाल्डो वाला यूं कर रहा हूँ, तब तक आया भी नहीं, उसने मुझसे कॉपी किया. मनु सिंह फुल मेसी का यूं वाला कर रहा है, बाकी सब बात कर रहे, भाई क्रिश्चियन कब से बन गया यार. हम 5-10 मिनट फुल ऐसे सेलिब्रेट वेलिब्रेट करके फिर तोमर सर ने बुलाया, इधर क्या कर रहे हो तुम? सर गोल किया है तो सेलिब्रेट कर रहे. हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुमने ओन गोल किया है. तब समझ आया बाकी सब साथ में क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे थे. हमें लगा जेलस है हमारी ग्रोथ से. अब देखो बाकी सारे टीचर्स थे अच्छे इंसान, हाँ तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है. बट पीटी टीचर इज फेलो एल्कोहलिक. उन्हें देखते ही समझ में आ गया. उन्होंने लगा तुम लोगों ने पी रखी है? हमने कहा नहीं सर, हमने पी रखी है. हमने कहा सर ये लो सर्कुलर. सर्कुलर दिखाया, सर ने लिया हाथ में, 5-10 मिनट लगा उन्हें क्योंकि इंग्लिश में था. अबे इसमें लाने की कही है कि ये पीने की थोड़ी ना कही है. मैंने कहा सर हमें छोड़ दो सर प्लीज सर. चलो प्रिंसिपल कहे नहीं सर हमें माफ कर दो, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें घर वाले घर से निकाल देंगे. नाटक बंद करो, एक काम करो अगले दिन से हर दिन सुबह शराब मेरे को आके दे दिया करो. कितना घटिया है इंसान. बच्चों की पॉकेट मनी की शराब पिएगा. एक सेकंड लिए ना हमें पीटी टीचर की शक्ल पे वो लगान के कैप्टन रसल की शक्ल दिख रही थी कि चंपानेर अब से 3 गुना लगान में.
तो अब पीटी टीचर की जिंदगी अगले 2-3 हफ्ते मस्त हनी सिंह की म्यूजिक वीडियो जैसे चल रही है. वो टुनों के घूम रहे हैं, you know, वो ऐसे टुनों के जंपिंग जैक करा रहे बच्चों को, स्टैंडर्ड टीज करा के भूल गए, 15 मिनट घूम के आ गए, सारे बच्चे खड़े ऐसे. और हमारी जिंदगी एकदम खराब हो रही है, सारे पैसे जा रहे हैं. तो मैंने एक दिन मानुष को बोला, यार ये पीटी टीचर का कुछ तो काम करना पड़ेगा. उसने कहा, मर्डर है, स्टूडेंट्स ऐसा ले हम कहाँ एस्केलेट कर रहे तू. तो हमने डिसाइड किया, अब देखो चंपानेर के गांव वालों के पास था भुवन, हमारे पास थी रज्जो. तो हमने अगले दिन केमिस्ट्री क्लास की वेट किया, केमिस्ट्री मैम आई, मैम को हमने बोला कि मैम एक्चुअली वी हैव हिट अ सर्टेन रोड ब्लॉक इन आवर प्रोजेक्ट. हमने कहा, ओह यार कम एंड मीट मी ड्यूरिंग द ब्रेक. हमने यार रिसेस क्यों खाती रहती है पूरा टाइम यार. बच्चों में भगवान होते. मैंने कहा, मैम आप आके देख लो. तो अगले दिन फुल स्टिंग ऑपरेशन की सेटिंग हुई, यू नो कि हम लोग जाएंगे और तुमर सर को शराब देंगे और मैम जाके देखेगी साइड से ऐसे करके हुए. तो हम अगले दिन खर्चा वर्चा करके महंगी वाली शराब ले गए, मिनिएचर्स ले गए ब्लैक लेवल की, कि एकदम सर का एकदम लाल दिखे. जाके सर को दे रहे और सर का एकदम करप्ट ऐसे पॉलिटिशियन वाली शक्ल ले रहे और अचानक से राजलक्ष्मी मैम अंदर, पीटी टीचर दिस इनकॉरिजिबल बिहेवियर, दिस इज प्रीकॉस्ट्रस. पीटी टीचर को समझ ही नहीं आया, उन्हें सर वो डांट रही है एक्चुअली. अब पीटी टीचर उन्हें कह रहे, नहीं हमें नौकरी से मत निकलवाइए, आप ले जाइए, हमें घर वाले, हमें घर वाले एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. अब मैम बोले जा रही, नो आई विल मेक श्योर यू आर फायर्ड फॉर दिस. अब हमें थोड़ा बुरा लग रहा है, किसी के साथ बुरा तो नहीं होना चाहिए. तो मैम को बोला, मैम एक्चुअली यू नो ही हैज अ फैमिली एंड ऑल टू फीड, सो लेट्स नॉट गेट हिम फायर्ड एंड ऑल. मैम बोले, देखो बच्चों में भगवान होते, स्टूडेंट्स आर गॉड्स. ओके फाइन, आई विल पार्डन यू दिस टाइम थॉमस सर, बट नेवर रिपीट सच एन अट्रोशियस एक्ट अगेन. पीटी टीचर लगे हुए, नहीं हमें माफ कर दे. अरे यार वो माफ कर चुके आपको, थोड़े कीवर्ड्स तो पढ़ के आओ यार आप. मैम ने बोला कि ओके एंड यू हैव टू गिव दीज स्टूडेंट्स फुल मार्क्स इन पी करके मैम चली जा रही है और हम ऐसे मस्त देख रहे हैं. मजा आया. और मैम राजश्री मैम जाते जाते, ओके स्टूडेंट्स बट फ्रॉम टुमारो एवरी डे इन द मॉर्निंग गेट द एल्कोहल टू मी एंड आई लाइक ओनली ब्लैक लेवल. और अब पीटी टीचर हमें देख रहे हैं, मजा आया. Thanks for listening. That's my time. Thank you. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.